खबर इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई है और इस लड़ाई का सबसे विभत्स रूप देखने को मिला है। गाजा के एक अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन का कहना है कि इसराइली फौज ने अस्पताल पर हमला किया। वहीं इसराइल सरकार ने इस हमले को बर्बर बताते हुए कहा है कि हमास के आतंकियों ने ही इस अस्पताल को उड़ाया। फिलिस्तीन आरोप लगा रहा है इसराइल पर और इसराइल आरोप लगा रहा है हमास पर कि ये वही कर सकता है, ये बर्बर कार्य वही करता है, वही कर सकता है। इसराइल ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। बड़ी खबर आपको दे दें, 500 लोगों की मौत हो गई एक अस्पताल पर हमला, जहां पर मरीज भी थे, जहां छोटे छोटे बच्चे थे, जहां लोग थे। 500 लोगों की इस विभत्स घटना में मौत हो गई है।